पिछले वीडियो में हम लोग MSW लोगो को ओपन करना और उसके कुछ कमांड को कैसे रन करते हैं सो हम लोग देखे थे, और कुछ एक्सरसाइज दिया गया था। उस एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी जैसे हम लोग को MSW लोगो ओपन करना है, तो ये इसका शॉर्टकट की है, डबल क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक करने के बाद इसका इंस्ट्रक्शन आया, ओके किए, और उसके बाद ये आपका MSW लोगो ओपन हो गया। ऊपर टाइटल बार है, मेन्यू बार है, ये आपका ग्राफिक्स स्क्रीन है, ये आउटपुट बॉक्स है, और उसके नीचे इनपुट बॉक्स है जिसमें हम लोग कमांड को टाइप करते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है, जो फिगर है, उसके कमांड को लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि टर्टल का ये हेड है, ये टेल है, हेड जो है वो आप वॉट डायरेक्शन में है, तो उसको और ऊपर ले जाना है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग FT स्पेस 40। ये क्या हो गया, टर्टल आगे चला गया, ठीक है। उसके बाद राइट साइड टर्न करना है, RT स्पेस 90 टर्न हो गया, फिर FD स्पेस 50। जैसा कि फिगर देख रहे हैं कि ये जो साइज है ये कम है इसके कंपैरिजन में, तो ये साइड आपका बन गया। अब फिर आपको टर्टल को वापस ला करके यहाँ पर और उसके नीचे इधर ऐसे ड्रॉ करना है। तो टर्टल अभी चूंकि यहाँ पर है तो उसको वापस फिर यहाँ लाना होगा। तो अभी इसका टेल इस साइड है तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे। कितना स्टेप, जितना स्टेप अभी आगे आया, तो ये स्टेप अभी आया 50 स्टेप। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BK स्पेस 50। तो इससे क्या होगा कि टर्टल जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया। उसके बाद उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में टर्न करना है। तो ये इसका जैसे हेड इधर है तो इसके इधर जो है ये राइट साइड है। तो हम लोग RT 90 लिखते हैं, इंटर किया तो ये टर्न हो गया। टर्न होने के बाद FD 40 स्टेप आगे आए थे। सबसे पहला स्टेप ये जो साइज है ये 40 का है, तो हम लोग FD 40 करेंगे, तो ये हो गया। अब इसको फिर से वापस इधर टर्न करना है, तो उसके लिए ये इसका लेफ्ट साइड है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे LT 90, और उसके बाद फिर हम लोग टाइप करेंगे FD 50, चूंकि ये जो साइज है यहाँ पर ये 50 हम लोग लिए हैं तो इसके इक्वल होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग फिर FD 50 करेंगे, हो गया। फिर BK करेंगे, BK स्पेस 50 आ गया। फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टर्न करना है, राइट साइड है उसका, तो RT 90। फिर हम लोग लिखेंगे FD 40, चूँकि ये साइड भी 40 है तो ये भी इक्वल होगा, 40 होगा। फिर इसको हम लोग टर्न करेंगे, लेफ्ट साइड में पड़ता है तो LT 90। फिर उसके बाद FD करेंगे, FD 50। ये फिगर हमारा बन गया। अभी जो टर्टल दिख रहा है इसको हाइड करने के लिए HT कमांड का यूज़ करते हैं, तो ये हाइड हो गया। तो देख रहे हैं कि ये जो फिगर है उसका ये कमांड है, यानी इस कमांड को इस तरीके से हम लोग इसका कमांड हम लोग लिख सकते हैं और रन भी करा सकते हैं। तो ये जो ग्राफिक्स स्क्रीन है इसको स्क्रीन करने को इरेज करने के लिए CS कमांड का बताया गया है, CS इंटर करते हैं। तो ये क्या होता है कि जो भी ग्राफिक्स स्क्रीन में इमेज वगैरह बने हुए हैं वो सभी इमेज क्लियर हो जाते हैं, और टर्टल भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो टर्टल डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग कमांड लिखते हैं ST, और ST लिखे तो टर्टल वापस आपका आ गया। CS करने पे क्या होता है कि टर्टल जो है जहाँ पर भी रहे वो होम पोजीशन पे आ जाता है पूरा क्लीन करके। और ये जो आउटपुट बॉक्स है इसको भी हम लोग क्लीन कर देते हैं, इसके लिए होता है CT इंटर करेंगे, तो ये आउटपुट बॉक्स भी क्लियर हो गया, ठीक है। बी नंबर का जो फिगर है उसको हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसको FD करेंगे, FD 60 सपोज करते हैं, तो 60 हो गया। फिर RT 90, फिर FD 60, उसका अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, उसका लेफ्ट साइड है इसलिए वहाँ पर लिखेंगे LT 90, अपवर्ड डायरेक्शन में टर्न हो गया। फिर FD 60 ऊपर अपवर्ड गया, फिर उसको इधर करना है, ये राइट साइड है, तो RT 90, और फिर FD 60। अभी देख रहे हैं, और फिर हम HT करते हैं तो ये क्या होता है कि ये टर्टल जो है वो हाइड हो जाता है। तो अभी आप जैसा कि बी नंबर इमेज दिख रहा है वैसा हम लोग कमांड इसमें हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले कमांड की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे इसको इरेज कर दे रहे हैं, CS क्लीन हो गया, ST से शो हो गया, और CT से आउटपुट बॉक्स क्लियर हो गया, क्लियर। अगला कमांड देखते हैं ई नंबर, ठीक है। अभी हम लोग ई नंबर कमांड पे आते हैं, ई नंबर वाला जो फिगर है उसको हम लोग देखते हैं। उसके लिए लिखते हैं FD 40 सपोज करते हैं, FD 40, RT 90, FD 40, LT 90, FD 40, RT 90, फिर आगे टर्न आगे बढ़ाना है, तो FD 40,
फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड है तो आरटी 90, एफडी 40, फिर उसको लेफ्ट साइड में टर्न करना है तो एलटी 90 होगा, फिर एफडी 40, आरटी 90, एफडी 40, आरटी 90, उसका क्योंकि राइट साइड पर रहा है तो एफडी 40। अभी इसको जिधर टर्न करना है वो लेफ्ट में है तो एलटी 90 होगा, फिर हम लोग लिखेंगे एफडी 40, फिर वहाँ पे होगा आरटी 90, एफडी 40, फिर आरटी 90, एफडी 40, फिर उधर लेफ्ट साइड टर्न करना है तो एलटी 90, एफडी 40, और इसको हाइड कर दे रहे हैं एचटी। तो ये जो डायग्राम, ये जो कमांड दिख रहा है आउटपुट बॉक्स, चूँकि यहाँ पे जब ये पूरा पेज भर जा रहा है तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार ऊपर करके हम लोग बारी बारी से कमांड को देख सकते हैं। ये आपका पूरा ये कमांड है इस फिगर को बनाने के लिए। तो इसके अलावा कुछ और एक रिपीट कमांड भी है, तो रिपीट कमांड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो बाकी सब जो कमांड है, इस कमांड को आप लोग ट्राई करेंगे और फिर हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है।